हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और आज की वीडियो में जैसा कि आप प्लांट देख रहे हैं रियो पे है, तो रियो की मैं कुछ छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत से नाम हैं इसके, जैसे कि रियो डिस्कलर बोट लीली ओएस्टर प्लांट और मोसेसिना बोट मोसेसिना क्लेडर। इस प्लांट का नेटिव प्लेस सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज़ है। और ये प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ये थोड़ी लंबी लीव्स होती हैं और कुछ होते हैं मिनिएचर जो ये वाला है, और कुछ वेरिएटेड होते हैं। इसकी रूट सिस्टम जो होती है वो शैलो होती है, तो आप इसे शैलो पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि शैलो पॉट का मतलब कि जैसे कम गहराई फैले हुए पॉट में भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और चूंकि इसकी लंबी रूट नहीं होती है, तो हैंगिंग प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। और ये एक हाउस प्लांट है और ये फॉलिएज प्लांट है। वैसे तो इसे आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मार्च और अगस्त जो इसके लिए सबसे अच्छा वक्त होता है इसको ग्रो होने का। और इसको अगर बुशी करना चाहते हैं तो फैले हुए पॉट में लगाएं। ये इसके बेबी प्लांट्स आते रहते हैं और पूरा फैलकर बहुत ही अच्छा खूबसूरत लुक में आ जाता है। ये एक हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें वैसे एफिड्स तो नहीं लगते, अगर लगे तो नीम ऑयल से स्प्रे कर लें, सबसे आसान तरीका। और इसमें फ्लावरिंग भी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है बिल्कुल वाइट कलर में। इस प्लांट से रिलेटेड अगर और जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैं पहले दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखें। बाय।